अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लेक्चर नंबर 2, गज़वा बदर। चैप्टर का नाम है हमारा गज़वा बदर, यानी गज़वा किसे कहते हैं, गज़वा जंग को कहते हैं, और वो जंग जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की उसे गज़वा कहते हैं। ठीक है, गज़वा उस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद शिरकत की हो। गज़वा बदर मुसलमानों कफार के दरमियान जो तय होने वाले पहले मौके का नाम है। उसे गज़वा बदर इसलिए कहा जाता है कि जंग मदीने से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़िया बदर नामी बस्ती के करीब लड़ी गई, इसलिए इसका नाम जो है गज़वा बदर है। कहाँ पर यह लड़ी गई थी? मदीने से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर बदर नामी एक बस्ती थी जहाँ पर यह जंग लड़ी गई, और इसलिए इसको जो है गज़वा बदर का नाम दिया गया है। नेक्स्ट जो है गज़वा बदर के असबाब बताए गए हैं। इन असबाब में हमें जो है बताया गया है कि कफ़ार ने किस तरह से जंग का जो है आगाज़ किया। जो मुसलमान थे वो कफ़ार मक्का के जुल्म और सितम से जो थे तंग आकर मक्का से मदीना हिजरत की थी, लेकिन कफ़ार मक्का को मुसलमानों का आराम सुकून से रहना जो है पसंद ना आया, और उन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इनके साथियों को तकलीफ़ पहुंचाना शुरू कर दी। मदीने के आसपास अगर कोई मुसलमान नज़र आता तो उसका माल और जानवर वगैरह जो थे लूट लेते थे, और जब कफ़ार की शरारतें और साजिशें जो थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को जंग की इजाज़त दी। हिजरत के दूसरे साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ता दुश्मन की नकल व हरकत पर नज़र रखने के लिए रवाना फरमाया। मुसलमानों ने इस दस्ते को कफ़ार से जंग की इजाज़त ना थी, यानी वो दस्ता जो कि दुश्मन की नकल व हरकत के लिए जो भेजा गया था उसे कफ़ार से लड़ने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जब इस दस्ते का सामना जो है दुश्मनों के काफ़िले से हुआ तो इन दोनों के दरमियान क्या हुआ, जंग छिड़ गई, जिसमें काफ़रों का एक सरदार उम्र बिन हज़रमी जो था वो मारा गया। क्रैश ने इस कतल का बदला लेने के लिए मुसलमानों के साथ जो है एक बड़ी जंग लड़ने की जो है तैयारियाँ शुरू कर दी। उन्हीं दिनों क्रैश का एक तजारती काफ़ला जो था वो शाम गया हुआ था। इस तजारती काफ़िले का सरबराह क्रैश मक्का का सरदार अबू सफियान था। क्रैश ने इस तजारती काफ़िले का मुनाफा मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग में लगाने का इरादा कर रखा था, यानी जो वो काफ़िले का मुनाफा था उसका क्या करना चाहता था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करने का इरादा रखता था। उस काफ़िले में 1,000 ऊँटों पर 50,000 दिनार की मालियत का साजो सामान लदा हुआ था। जब कफ़ार का यह तजारती काफ़िला जो है मदीने के करीब से गुजरने लगा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि उस काफ़िले का मुकाबला करके क्रैश की ताकत तोड़ दी जाए। चनाचा मुसलमानों का मुख्तसर सा लश्कर था और बग़ैर किसी तैयारी के वो मदीना से रवाना हुए। उनके पास पूरा जो है जंग का साजो सामान भी नहीं था। अबू सफियान ने मुसलमानों के लश्कर की इत्तला मिलने पर अपना रास्ता जो था वो तब्दील कर लिया, और साथ ही कफ़ार मक्का को पैगाम भेज दिया कि मेरी मदद को आओ। कफ़ार का लश्कर, नेक्स्ट जो है हमें कफ़ार के लश्कर इस तरह से जो है गज़वा बदर का आगाज़ हुआ। कफ़ार का लश्कर, कफ़ार में जो है था कितने जो थे लोग थे। कफ़ार मक्का अबू सफियान का पैगाम मिलते ही जंगी तैयारियों के साथ 1,000 का लश्कर लेकर मुसलमानों के मुकाबले के लिए चल पड़े, यानी कितने का लश्कर था उनका, 1,000 का लश्कर। कफ़ार मक्का के लश्कर का सरदार अबू जहल था। लश्कर में 100 घोड़े और 600 जरहें थी और कसरत से ऊँट भी शामिल थे। कफ़ार मक्का के लश्कर ने जो था बदर के करीब अपना पड़ाव डाला, यानी बदर नामी जो जगह थी ना बस्ती उसके करीब जो था उन्होंने पड़ाव डाला, और इनका लश्कर कितना था, 1,000 का था। और इनके पास इनका सरदार कौन था कफ़ार मक्का के लश्कर का, अबू जहल था, जिसने लश्कर के अंदर 100 ऊँट, 600 जरे और बहुत ज़्यादा ऊँट शामिल थे, मुसलमानों का लश्कर। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट पेज नंबर है 46, इसमें मुसलमानों के लश्कर के बारे में बताया गया है। मुसलमानों के सलारे आला जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, सरदार जो थे, और इसके अलावा आप सल्लम के साथ जो थे 313 मुसलमान थे। वहाँ पर 1,000 लश्कर था और यहाँ पर 313 मुसलमान थे। पूरे दस्ते में सिर्फ 200 घोड़े, कफ़ार के लश्कर के 100 घोड़े थे, 70 ऊँट उनके पास बहुत ज़्यादा ऊँट थे, और 6 तलवारें थी, और उनके पास कितनी जरहें थी, 600, जिसमें हर ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी बारी सवार होते थे, यानी हर ऊँट पर कितने आदमी सवार होते थे, 2 या 3। मुसलमानों का लश्कर भी बदर के करीब पहुँच कर रुक गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर जो थी रो रो कर सजदे में अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि अल्लाह आज ये मुट्ठी भर मुसलमान जो है वो हलाक हो जाएंगे, तो आप हम तेरी इबादत करते हैं
और तेरे अलावा कोई मदद करने वाला नहीं। तो फिर अल्लाह ताला ने उनकी मदद फरमाई, अपने प्यारे नबी की दुआ जो थी वो कबूल कर ली और बारिश बरसा दी, और जिसकी वजह से कीचड़ वगैरह में जो थे वो फंस गए, और उनकी पेशकदमी जो थी मुसलमानों की तरफ जो थी वो रुक गई, और मुसलमानों के हौसले जो थे वो बुलंद हो गए। नेक्स्ट जो है जंग के वाक़यात बताए हैं कि 17 रमज़ान 2 हिजरी की सुबह जो थी, सुबह दोनों लश्कर जो थे आमने सामने हुए। उस ज़माने के दस्तूर के मुताबिक पहले इनफरादी मुकाबला हुआ, यानी अकेले अकेले जो है मुकाबला किया। कफ़ार की तरफ से रबिया के दो बेटे अतबा व शीबा और अतबा का बेटा वलीद मुकाबले के लिए निकला, यानी इन तीनों का ताल्लुक़ ये था कि पूरा ग्रोह जो था वो नहीं कर रहा था, अब जो था इनफरादी मुकाबला हो रहा था, यानी एक एक मुसलमान के साथ एक काफिर था जो कि मुकाबला कर रहा था। लाइक जैसा कि अतबा व शीबा और वली जो थे कफ़ार के लश्कर में से थे, और मुसलमानों की तरफ से थे हज़रत उबैदा, हज़रत हमज़ा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु। तो जो हज़रत उबैदा थे उन्होंने शीबा से, और हज़रत हमज़ा ने अतबा से, और हज़रत अली ने जो है वलीद से मुकाबला किया। तीनों कफ़ार जो थे इस मुकाबले में जो है कत्ल हो गए, और इसका अंजाम ये होगा कि कफ़ार मक्का के लिए बहुत बुरा साबित, और वो गुस्से से बेकाबू हो गए, और आम लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई। मुसलमान भी जो थे शोक शहादत में जो थे बढ़ चढ़ कर हमला कर रहे थे। काफरों के भी बड़े बड़े सरदार मुसलमानों के हाथों मारे गए। उन सरदारों के कत्ल की वजह से कफ़ारे मक्का के हौसले थे जो थे वो जल्द टूट गए, और इनकी हिम्मत जो थी वो जवाब दे गई। यानी जंग के वाक़यात बताए हैं, पहले इनफरादी मुकाबला हुआ, फिर क्या हुआ, फिर एक आम लड़ाई शुरू हो गई, और मुसलमानों भी ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लिया। सहाबा कराम की जान सारी, तमाम सहाबा कराम इस गज़वा में अपनी जान व माल के साथ शामिल थे। उनमें हज़रत उमैर जो थे, उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु एक कमसिन सहाबी थे जो बहादुरी से जो थे लड़ते हुए शहीद हुए। और इसके अलावा कमसिन सहाबी कौन थे, हज़रत मुआज़ और हज़रत माउस भी जो थे कमसिन थे। उन्होंने जो है अबू जहल पर जो है हमला किया, और इससे क्या हुआ, अबू जहल उसे यानी उन्हें तलवारों से इस पर हमला कर दिया, उसे क्या किया, ज़मीन पर गिरा दिया। अबू जहल के बेटे अकरमा ने जो है मास के कंधे पर जो है तलवार मार दी, जिससे उनका हाथ कट गया बाजुओं के तस्मे से, वो जो है जिससे उनका हाथ कट कर बाजुओं के तस्मे से लटकने लगा। नेक्स्ट जो है स्टूडेंट्स पेज नंबर 47 है फर्दर रीडिंग। उन्होंने तस्मा पाँव के नीचे दबाकर ज़ोर से खींचा, और झटका देकर जो है अपने जिस्म से अलग कर दिया बाजू को, ताकि लड़ाई में रुकावट ना बन सके। हज़रत औफ बिन हारिस ने भी जोश जहाद में जो है अपनी ज़रा उतार फेंकी, और तलवार लेकर दुश्मन पर टूट पड़े, यहाँ तक के लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कौन से सहाबी शहीद हुए थे, हज़रत औफ बिन हारिस। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आस बिन हाशिम को कत्ल किया। इस जंग में हज़रत आकाशा की तलवार टूट गई, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लकड़ी का दस्त तख्ता दिया, और इसी हाथ में पकड़कर लड़ने लगे। वो उसी को जो था हाथ में पकड़ कर क्या करने शुरू हो गए, लड़ना शुरू हो गए। मुसलमानों को फतह और कफ़ारे मक्का को क्या हुई, इस जंग में शिकस्त हुई, और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है कफ़ार की जो है कफ़ार जो है उनको कत्ल किया गया और गिरफ़्तार किया गया, जिसमें 70 जो थे आदमी जो है वो कत्ल हुए कफ़ार के, और 70 जो थे वो गिरफ़्तार हो गए। मुसलमानों की तरफ से 14 सहाबा कराम ने क्या किया, जाम शहादत जो है उन्हें नसीब हुआ। तो ये मुसलमानों के लिए क्या थी, एक शानदार फतह थी। नतीजे इसके क्या हैं कि गज़वा बदर में मुसलमानों ने अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज को शिकस्त दी थी। जाहिर सी बात है उनके पास जो थे ऊँट भी कम थे, और इसके अलावा ज़रहें भी, और इसके अलावा बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम थी, और घोड़े भी कम थे, और कफ़ार के पास बहुत ज़्यादा थी। तो ये एक तरह से मुसलमानों के लिए क्या थी, बहुत बड़ी कामयाबी थी उनके लिए, क्योंकि उनके पास साजो सामान बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन उनका जज्बा जो था, ताकत ईमानी जो थी वो सच्ची थी, और वह इस्लाम को जो है ताकत और ईमानी कुव्वत का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। कफ़ार को भी इससे उन्हें यकीन हो गया कि, और मुसलमानों को भी इस बात का यकीन हो गया कि अल्लाह ताला की मदद जो है उनके साथ ही, और उनके हौसलों में भी जो है मज़ीद इजाफा हुआ। नेक्स्ट स्टूडेंट पेज नंबर 48 पर जो है क्वेश्चन बुक वर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 है, खाली जगह पुर कीजिए। गज़वा इस जंग को कहा जाता है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
शिरकत की हो। तो यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएगा। नेक्स्ट है, शाम से आने वाले कफ़ार मक्का के तजारती काफ़िले का सरबराह कौन था? अबू सफियान। थर्ड वाला है, गज़वा बदर में कफ़ार मक्का के लश्कर की तादाद कितनी थी? तो 1000 थी। और गज़वा बदर में लश्कर इस्लाम के पूरे दस्ते में दो घोड़े और 70 जो थे वो ऊँट थे। और इसके अलावा फिफ्थ वाला है, कफ़ारे मक्का के सरदार अबू जहल को हज़रत मऊज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कत्ल किया। गज़वा बदर में मुसलमानों को अल्लाह की मदद से जो है क्या हुई? शानदार फतह नसीब हुई। नेक्स्ट जो है MCQs हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। कुफ्र व इस्लाम का पहला मौका है गज़वा बदर, यहाँ गज़वा बदर आएगा। गज़वा बदर पेश आया 2 हिजरी में। थर्ड है, गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु के कंधे पर तलवार मारी अकरमा ने, जो कि अबू जहल के बेटे थे। फिफ्थ वाला है, गज़वा बदर में मुसलमान शहीद हुए 14 और गज़वा बदर में कफ़ार मारे गए 70 और 70 जो थे वो गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पेज नंबर 49 पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 है, दुरुस्त और गलत फिक्रों की निशानदही करते हुए मुनासिब जवाब पर टिक लगाइए। फर्स्ट वाला है, बदर नामी बस्ती मक्का से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, तो ये ठीक है। सेकंड है, गज़वा बदर में कफ़ार मक्का के लश्कर में 100 ऊँट और 600 जरे और कसर से ऊँट शामिल थे, तो ये भी ठीक है। थर्ड वाला है, गज़वा बदर में मुसलमानों के लश्कर के सलारे आदा जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो ये भी ठीक है। फोर्थ वाला है, गज़वा बदर में हमज़ा कमसिन सहाबा थे जो शहीद हुए, तो जो कमसिन सहाबा थे वो कौन से थे?